told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. रोजराइन नु काकी आई मिलने के लिए, अपनी हड्डी चबाने लगे। जाओ मेरे बाबू, मेरे बाबू धन्यवाद आपका। आए हैं यार, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हम बाजार से आए हो लेकिन कुछ लाए नहीं। देखो कैसे बैठा है। आज हम जा रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए। मुझे सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है चश्मे के साथ, क्योंकि अभी आदत नहीं है। और कब चलते हैं, अभी आपको दिखाती हूँ कहाँ पहुँचे हैं। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. अब शिमला हमें लगा कि बहुत ज़्यादा जो है होली होगी इस दौरान, मतलब कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ शिमला में कैसा लग रहा है। ये देखिए, कहाँ छोड़ के चल पड़े थे। हाँ कुछ ज़्यादा होली का त्यौहार मना नहीं रहे हैं यहाँ पे। होली मेरे को तो कोई खेला हुआ यहाँ पे, कल मनाएंगे यहाँ होली। तो अब हम पहुँच गए हैं स्कैंडल पॉइंट। पहुँच दो, क्या खतरनाक बड़ा है अपने आप। चलो ये ऐसी एक कैलेंडर फिल्म ऊपर 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 करेड़ी की सब्जी। ये बड़े जल्दी स्टार्ट हो वापस। ये रही हमारी जनाब, पूरी खा पाते चारों। और हमें पता क्या मिला, कराड़ी की सब्जी। हम करियाड़ी की सब्जी नहीं पहुंच के अपनी स्टेला के पास। स्टेला खड़ाई हमने यहाँ पर, एक जगह 30 रुपए, एक जगह 60 रुपए, एक जगह 80 रुपए थे। 30 वाले लिए और उसी से हमने गोभी ली 40 की, आगे 30 की थी, 10 रुपए वहाँ नुकसान। एक मतलब कि आम आदमी को कितनी टेंशन होती है ना, चाहे आधा किलोमीटर पीछे चल जाएगा पर फिर भी वो करेगा ना। क्या बोलते हैं, 30-30 रुपए के। और हमने वहाँ से 2 किलो ले लिए फिर 60 के, खोटने पड़ेंगे पर ना। ठंडने लग गए,
और ये वक्त है यहाँ से निकलने का। जाओ सुन लिया करो, रुक जाओ, पत्थर है नीचे तुमने लगाया हुआ। ये रंग कब चलाने, आज आज चलाने कल चलाने, ये बिना पानी के चलते हैं, कितने के हैं? वाह, हम रुके हैं यहाँ पर क्योंकि रास्ता हो गया इतना, आप देख सकते हैं। तो मैं क्या बोलने वाली थी, मुझे ना इन चश्मों के साथ अभी आदत पड़ रही है, मेरे को कुछ ऐसे आदत नहीं पड़ी है, हल्का हल्का से देखने की कोशिश कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा सा वो हो रहा है। तो आज मैंने पहने ये पूरे दिन और ठीक रहा, मेरा जैसे था वैसे ही है व्यू, अभी भी कोई वो नहीं चेंजेस, माइनर से चेंजेस हो गए जो अभी हैं पर ठीक है। और शॉपिंग वगैरह हो गई है, अभी हो गया अंधेरा, मुझे लगा आज इतनी सारी मतलब कि लोग होंगे इकट्ठे वहाँ पर जो होली खेल रहे होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोग बहुत कम थे। आज होली नहीं खेलेगी शिमला में, होली के लिए जाएगी शायद मेरे ख्याल से कल, तो देखते हैं अभी क्या होता है, चलते हैं अभी घर की ओर। आईजन बाहर आई में तो दिन चलता है ऐसे, मम्मा डंडा रहने दो मैं करता हूँ ठीक है, मुझे इनके उधर रॉकी होती थी सज्जी की दुकान, अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि वहाँ पे है एक बहुत बड़ी आइसक्रीम का बिजनेस शुरू हो गया, तो आज हम वहीं की आइसक्रीम जो है वो देख टेस्ट करने वाले हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ का पूरा नक्शा चेंज हो गया, यहाँ पहले सब्जी यहाँ पहली बार खा रहे हैं यहाँ पर, और भैया कौन से रहे मौसम आज तो भैया जो है इनका छोटा सा इनोवेटिव आइडिया जो है वो अब ये यहाँ पे आस पास कैसी अच्छी है। मेरी आ रही थी भांजी ना, लस्सी नहीं आ रही बेटा आजकल। ये भी जो धनिया है ये भी हमारे भैया के खेतों से आ रहा है ना, ये इनके खेतों से आ रहा है, आपने भी तोड़ा है, इन बच्चों को बोली बेचने के लिए, कैसे बेच रहे हैं? वाह देखा गुड, ये बच्चे देखो काम करिए, 30 रुपए आपको दे देंगे, वो जो आंटी आया था। वेरी गुड, शाबाश, आज तो चलिए छुट्टियां। वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चों, आप बताओ आप क्या खाएंगे? जो आपने बताया था सेवा पूरी, इसको 5 के कुछ दे दो, खाएंगे तो कर ले जी, जाओ मेरे बाबू, धन्यवाद आपका, आप आए किसके लिए? क्या हो रहे इसके कुछ नहीं बेटे, 10-20-30 रुपये नहीं वो आप लो, लेके जा रहा हूँ मैं। चलो ठीक है भाई जी, पहुँच गए हम घर में, वो चले गए रोजी रानी को घुमाने के लिए और मुझे ऑर्डर मिला है गर्मा गर्म चाय बनाने का, तो मैं सबसे पहले बनाती हूँ चाय, फिर करते हैं आपसे बात। और रोजी रानी के लिए हमने लाया है क्रीम रोल बाजार से, और मैं बताने वाली थी आपको कि हमें सब्जी मिली है बहुत मेरी फेवरेट कचनार की, वो कचनार की सब्जी भी खाएंगे, लाए हैं यार, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हम बाजार से आए हो और कुछ लाए नहीं। देखो कैसे बैठा है, लाए हैं क्रीम रोल, रोजू चुका अंदर गई तो यही पीस मिलेगा, सारा खा जाएगा ही, खा ले जल्दी, राइनो को दे दो इसको, चाहिए आप ले जाओ, जरा इसको अंदर का दे दे, ले लो जी, ले जाओ, जाओ अंदर जाओ, जाओ वो लेना मुझे, ओके।
आपको बता रही थी ये है कचनार की सब्जी, कचनारी बोलते हैं ना इनको, और क्या बोलते हैं, करियारे, मंडियाड़ी में करियारे। तो जब हम कुल्लू में होते थे ना, तो कुल्लू में रास्ते में जब भी हम आप कांडी चलानी होके जाएंगे ना, तो आपको ये सब्जी खिली हुई, फूल खिले हुए मिलते थे इस टाइम पे। तो जैसे यहाँ शिमला में भी इन सब्जी को देखा ना, मन किया कि अब इनको ले जाके जो है आज इसकी सब्जी खाई जाएगी। और यहाँ राइनो को समझ नहीं आ रहा, मम्मा मटर खोज रही है कि क्या कर रही है, मेरे को अभी तक दे ही नहीं रही है। बेटा मटर नहीं है ये, ठीक है, ये पता क्या है, मीठी इमली, कच्ची इमली होती है। अच्छा। आपने खाई कभी, टेस्ट की है? नहीं की ना, बहुत मीठी होती है। वाह यार अच्छी लग रही ना, ठीक ही निकालना, मेरे को तो सही वाली देना, ये वाली वाली अच्छी। ओह देखो कैसे टूटी है, अंदर से टेस्ट करो कैसी है, आपको कैसी लगी, मिठी है ना। देखो रोज राइनू काके आई मिलने के लिए, अपनी हड्डी चबाने लगे। हाँ रोजू, इसके पापा को लगेगा ना पता, फिर चटवाएंगे तेरे मुंह। कल कौन सा डॉगी खोल लाया हो, व्हाइट वाला, किसका खोल? सिगो नहीं पता। चनार की सब्जी तो उसके साथ चपाती, तो अभी हम इसको खाने वाले हैं। और कुछ करो टेस्टी, बिल्कुल आयुर्वेदिक सब्जी होती है, बिल्कुल नेचुरल, 100% नेचुरल है, मतलब बहुत टेस्टी है, अच्छी लगी। चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट फिर।